जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड एसआई फिजिकल और उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम और बंदी रक्षक साफी एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। और दोस्तों यूके ट्रिपल एससी डेट पे डेट दे रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है तरीके से, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है। अभी आपको कुछ दिन चमोली में अभी जब फिजिकल हुआ था बच्चों का, तो बच्चों में काफ़ी निराशा देखने। आखिर कब तक ये चलेगा दोस्तों? अगर आप लोग आगे नहीं आए ना, तो ये साल भी आपको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बच्चों को बहुत जागरूक कर रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट अभी भी मजाक ले रहा है, कोई बात नहीं। पर हम ये चाहते हैं यार आप लोगों को कि ट्विटर कैंपेन चलाया जाए और मैं साथ हूँ आपके, ठीक है? बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है? जो भी भाई लोग विश्वास करता हो एक बार हम पे बिलीव करें और ट्विटर कैंपेनिंग में हमारा सहयोग दें, ठीक है? ट्विटर हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और सभी को ट्वीट कैसे करना है उसको भी मैं कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम डेट कंफर्म ना बता दे, अब कैलेंडर जब जारी होता है पता चलता है कि कैलेंडर ये तारीख है और एग्ज़ाम कभी भी सही तरीके से नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीडीओ बीपीडीओ जैसा हाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता पुलिस के बच्चों के साथ, एसआई के बच्चों के साथ या बंदी रक्षक के साथ ऐसा हो। तो दोस्तों अगर आप अपना सहयोग देना चाहते तो हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर कैंपेनिंग का हिस्सा बनिए। जय हिंद, नमस्कार।